नंदा देवी पर्वत है। गेहूं बचे हुए थे उनको हम सुखा रहे हैं, काम हो चुका है, गेहूं हमने डाल दिए सुखाने के लिए। खाने का मन कर रहा है तो एक खा रहा हूं। खेतों में अभी यहाँ एम साहब का वर्क ने खेतों का काम कर दिया है ये जितनी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का मौसम एकदम सुहावना हो रखा है, मेरे पीछे आप हिमालय का पूरा व्यू देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपना डेली का रूटीन कार्य करूँगा। और तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हिमालय का दृश्य। तो दोस्तों ये है वो पर्वत, ये है वो हिमालय पर्वत जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे सबसे छोटा वाला जो सबसे स्टार्टिंग में दिख रहा है वो त्रिशूल पर्वत है ये वाला, और इसके बाजू में ये नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी ईस्ट और नंदा देवी वेस्ट। इधर पर नंदा कोट है, आप देख सकते हैं प्यारा सा व्यू। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हिमालय के दर्शन होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है यार, और ठंडी हवाएं जो यहाँ से आती है ना बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आसमान साफ है, धूप आई है, तो हमारे जितने भी गेहूं बचे हुए थे उनको हम सुखा रहे हैं, क्योंकि बीच में बारिश की वजह से सब भीग चुके थे। तो आज सुखाएंगे और शाम को इनको हम निकालेंगे, इनसे गेहूं इनको चूटेंगे पहाड़ी स्टाइल में। तो वही काम आज चल रहा है, मैक्सिमम जितना खत्म हो जाए आज के लिए हम वही ट्राई कर रहे हैं। सिया का लगना घर है अभी बहुत खन में, क्या उन्हें परेशानी है, ऐसी होता है फिर घर आगे। तो दोस्तों ये अपना काम हो चुका है, गेहूं हमने डाल दिए सुखाने के लिए। आज बहुत दिनों से थोड़ा मौसम साफ था तो हमने सोचा ये काम कंप्लीट कर लेते हैं गेहूं का। यार यही है, पहाड़ की लाइफस्टाइल इतनी इजी नहीं होती है, थोड़ी सी हार्ड जरूर है, क्योंकि यही चीज़ अगर शहर में होता तो एक घंटे का काम था, थ्रेसर लाते और एक घंटे में सब निकल जाता। और यहाँ ये पूरा हमने डाल रखा है उधर तक, और उसके बाद नीचे आंगन में भी डाल रखा है, उधर का भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं, उधर जाना पड़ेगा। तो आज जितना हो पाएगा आज निकालेंगे, फिर कल निकालेंगे, यही अपना पहाड़ी लाइफस्टाइल थोड़ा सा आजकल चल रहा है। तो दोस्तों गेहूं का काम कंप्लीट करके हम लोग अभी फ्री हुए हैं, ये हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, अभी इसको पंखा लगाएंगे, गेहूं अलग करेंगे, भूसा अलग करेंगे। अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ, अभी हल्का सा भूखा जैसा महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आड़ू, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरीके से आड़ू यहाँ पे पक चुके हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे। ये पहाड़ी फल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी होता है, खाने का मन कर रहा है तो एक खा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट पक चुके हैं, और भी बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, तो आड़ू खा के फिर आगे बढ़ते हैं हम। टेस्टी लग रहा है बहुत। देखिए गेहूँ यहाँ तक जा चुके हैं, तो दोस्तों फाइनली गेहूं का काम आज हमने कंप्लीट किया। मौसम दो दिन से थोड़ा साफ है, मौसम ने अच्छा साथ दिया, और अभी हम जा रहे हैं खेतों में, सिया साथ में है, और हम लोग थोड़ा ऊपर खेतों में जाके आते हैं, वहाँ का सीन देख के आते हैं। लेकिन देखिए कुत्ते भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी। तो बने रहिए ऊपर खेतों से, मैं व्यू दिखाऊंगा अपने गाँव का, और एकदम टॉप में है वो खेत, तो चलिए बने रहिए, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर गांव है और इधर मंदिर है, और पीछे अगर जाओ तो हिमालय पर्वत भी आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू, और इधर एक और गांव है सामने में, और यहाँ से फिर खेत स्टार्ट हो जाते हैं हमारे,
ये ऊपर को खेत है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने खेतों में, अभी यहाँ पे थोड़ा काम करेंगे क्योंकि बुआई से पहले थोड़े जो बचे काम होते हैं सब निपटा के फिर हो सकता है प्रोबेबली वेडनेसडे से हम यहाँ बुआई स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं लोगों के यहाँ पे पूरे खेती खेत नजर आएंगे आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमारे खेत स्टार्ट हो जाते हैं नीचे को, और अगर हम यहाँ जाएंगे वो नीचे एकदम नीचे लास्ट जहाँ पे बिजली का खंभा दिख रहा है, यहाँ भी हमारे कुछ खेत हैं, यहाँ पे हमने एक काम करना है तो हम ये सब काम निपटाते हैं आज, फिर मिलते हैं। सीएम साहब का वर्क, बेचारे सोच रहे होंगे झांसा आने के बाद रेस्ट करेंगे घूमेंगे, लेकिन यहाँ पहाड़ में तो अपना काम चल रहा था बेचारे। आपकी शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, आपके सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को भी तो पता रहना चाहिए कितना कष्टदायी काम करते हैं सीमैन लोग। क्यों नहीं, हमारे लिए तो कष्टदायी है ये काम, ये इतने बड़े कांटे देखो, साथ में जीमी भी साथ में हमारे, देखो गाइस क्या पर ये ट्रॉकी भी यही है। तो दोस्तों हमने खेतों का काम कर दिया है, ये जितनी भी कटीली झाड़ियाँ थी सब काट के हमने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिया, जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो इसमें हम आग लगा देंगे, क्योंकि खेतों से ये अपने खेतों को कटीली झाड़ियों से बचाने के लिए हर साल हम खेती करने से पहले ये सारी झाड़ियों को काट देते हैं, फिर ये बरसात में उग के वापस आ जाते हैं, तो इसलिए हम हर बार काट देते हैं ताकि खेतों को ज़्यादा नुकसान ना हो, और काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है इन कटीली झाड़ियों को काटने के लिए, कई बार ये कांटे हाथों में भी चुभ सकते हैं या फिर ये हथियार आपके शरीर में भी लग सकता है, तो इन चीज़ों में कई बार ध्यान देना पड़ता है। जाने से पहले मैं पीछे का एक व्यू दिखा दूंगा, और जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में एक भगवान शंकर जी का मंदिर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं सामने हिमालय, और यहाँ पे एक गाँव है, ये पंडितों का गाँव है वैसे बेड़ा, यहाँ पे काफ़ी जेंटल लोग रहते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के, वैसे पहाड़ों में आपको हर जगह शांत स्वभाव के लोग मिलेंगे। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये भगवान शंकर का शिवालय मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, और ऊपर को आप जितने भी घर दिख रहे हैं ये पूरे बेड़ा के हैं, यहाँ पे सब पंडितों का गांव है, लेकिन बहुत ही अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों काम खत्म करके हम लोग निकल रहे हैं अभी घर के लिए, आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, धन्यवाद।